नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप सभी को प्रसमित लाइव न्यूज में स्वागत है। बीते दिनों 19 तारीख से लेकर लगभग 2-3 दिनों तक कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है यूपी और बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया था। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला था। कृष्ण जन्माष्टमी विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के जीवन के नृत्य नाटक की परंपरा। कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि में भक्ति गायन, उपवास, रात्रि जागरण और एक त्यौहार अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक भाग होता है। यह त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के समान में समुदाय को उपहार वितरित किए। कृष्ण देवकी और वासुदेव आनंद दुभी के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़िया वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन अगस्त और सितंबर के साथ की आधी रात को हुआ था। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब फसलों से लदे खेतों और ग्रामीण समुदायों के पास खेलने का समय है। उत्तरी राज्यों में जन्माष्टमी को रासलीला परंपरा के साथ मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खुशी का खेल। इसे जन्माष्टमी का एकल या समूह नृत्य और नाटक कार्यक्रमों के रूप में व्यक्तित्व किया जाता है कि जिसमें कृष्ण के संबंधित रचाई गई जाती है। कृष्ण के बचपन की शरारतें और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग विशेष रूप से लोकप्रिय है। क्रिश्चियन रॉय और अन्य विद्वानों के अनुसार ये राधा कृष्ण के प्रेम कहानियाँ दैवी सिद्धांत और वास्तविकता के लिए मानव आत्मा की लालसा और प्रेम के लिए हिंदू प्रतीक है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार जो है कहीं जहाँ कहीं कहीं मटकी फोड़कर भी मनाया जाता है। यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे के मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आज मापे हैं तू चांद तारे हैं हम चाहे दम निकले ये दम है कसम हम